सारे मसालों को, प्याज को, सब कुछ अच्छे से मटन से मिक्स किया जा रहा है। ये सारे मसाले ये लोग यूज़ करते हैं, सारे गांव के ही मसाले हैं। इससे पहले ये खड़े मसाले डाल दिए गए हैं, और देखिए ये मटन डाला जा रहा है। ये देखिए कलेजी प्रिपेयर हो रही है। कलेजी आप जानते हैं लिवर के पीसेस बेसिकली मटन के। देखिए ऊपर रोगन आ चुका है, बड़ी कमाल की रंगत आ रही है। और आपको मटन चुस्ता, आप में से जो भी मटन लवर थे वो जानते होंगे, मटन का ये चर्बी वाला पीस होता है। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका फूड माफिया रंजन, और मटन का खजाना की एक नई पेशकश में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं कालिका होटल। कालिका आप जानते हैं होटल जो है आजमगढ़ में है, बेसिकली चार जनरेशन से चला आ रहा है। वहां पे वीरेंद्र चौहान जी हैं जिसको चलाते हैं, और यहां पे उनके बेटे अविनाश चौहान जी ने खोला है। तकरीबन 10 साल हो गए ऐसे लखनऊ में, और आप कह सकते हैं लखनऊ का में जो देसी टेस्ट है, बिल्कुल तो देसी मटन दो प्याज़ा का टेस्ट आता है, वो यही होटल देता है। दोस्तों तो आइए अंदर चलते हैं, पूरी प्रिपरेशन दिखाते हैं, कौन कौन से बिल्कुल देसी मसाले यूज़ होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए दोस्तों, ताकि हमारी और आपकी मुलाकात होती रहे। तो दोस्तों हमारी मटन की प्रिपरेशन चालू होने वाली है। सबसे पहले आपको मसाले से मिला दूं, ये देखिए ये सारे मसाले ये लोग यूज़ करते हैं, सारे गांव के ही मसाले हैं। ये देखिए हल्दी है, जीरा है, उसके अलावा लौंग है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, दालचीनी है, काली मिर्च है, और बाकी जावित्री है। तो ये सारे गाँव के ही मसाले हैं दोस्तों। इस सबको पहले पीसा जाता है, और उसके बाद इसको भूजा जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये मसाले जो हैं इसको भूज के, बिल्कुल आप समझ लीजिए इसको एक लिक्विड सा इसका पेस्ट बना लिया जाता है, और बाद में जब मटन बनेगा तो उसी में इसको ऐड कर दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे, ये देखिए प्रॉपर भट्टी पे बनाया जा रहा है, क्योंकि जैसे मैं आपको शुरुआत में बताया था बिल्कुल देसी स्टाइल में बनता है। तो जी अब मटन की प्रिपरेशन चालू हो चुकी है। देखिए सबसे पहले सरसों का तेल डाला जा रहा है, सारे मसाले डाल दिए गए हैं। जो पेस्ट प्रिपेयर किया गया था वो बाद में डाला जाएगा, सबसे पहले ये खड़े मसाले डाल दिए गए हैं, और देखिए ये मटन डाला जा रहा है। सबसे अच्छी बात है दोस्तों 10 किलो मटन है, और डेली फ्रेश बिल्कुल कट के आता है, कोई भी रात का माल या लेफ्ट ओवर नहीं यूज किया जाता है। तो अपने सामने जाके ये लोग कटवा के लाते हैं, और ये देखिए दोस्तों, देखिए भुनी हुई प्याज आ गई है। प्याज को प्रॉपर सरसों के तेल में भुना जाता है कम से कम 3 से 4 घंटे, और उसके बाद ये भुनी हुई प्याज मिला दी जाती है मटन से, ये देखिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों कि ये जो प्याज आप देख रहे हैं, ये 10 किलो मटन में 10 किलो प्याज पड़ती है, भुनने के बाद थोड़ी सी कम हो जाती है, इस तरह से इसको काफी ज्यादा क्वांटिटी में डाला जाता है, ये देखिए। दोस्तों अब मटन और प्याज बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देखिए बड़ी कमाल की भाप भी निकल रही है। अब हो रही है जो मसाले का हमने शुरुआत में पेस्ट बनाया था उसकी एंट्री हो रही है, ये देखिए। और मुझे यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी कि 2 स्टेप में मसाले डाले जा रहे हैं। नॉर्मली हमने जब भी कवर किया है खड़े मसाले डाले जाते हैं या पेस्ट डाला जाता है, तो इसको बनाने के लिए मटन दो प्याज़ा इसमें दोनों चीज़ें डाली जाती हैं। जैसे आपने देखा पहले खड़े मसाले डाले गए, फिर प्याज अलग से डाला गया, उसके बाद पेस्ट भी डाला जा रहा है, तो कह सकते हैं काफ़ी मेहनत वाला है ये। ये हो गई नमक की एंट्री, और नमक भी आपको बता दूं दोस्तों बिल्कुल देसी वाला जो सेंधा नमक होता है वो यूज़ किया जा रहा है। अगेन वही बात आती है दोस्तों, सब कुछ बिल्कुल ही देसी है। कोई भी आप देख सकते होंगे कोई भी यहाँ पे पैकेट जो मसाले वाले आते हैं या फिर सॉल्ट का जो पैकेट आता है वो नहीं यूज़ किया जा रहा है। सब चीज़ें जो हैं सारी ही चीज़ें गाँव से मंगवाई गई हैं। अब देखिए अब आ गया अदरक, सारे मसालों को, प्याज को, सब कुछ अच्छे से मटन से मिक्स किया जा रहा है। अब आ गई थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्च, अब आ गया है ऊपर से खड़ा मिर्चा, बेसिकली थोड़ा तीखा फ्लेवर ऐड करने के लिए। और देखिए बढ़िया तरीके से मिक्स किया जा रहा है ये।
दोस्तों देखिए लहसुन का पेस्ट आ चुका है। आपको बता दूं नॉर्मली अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला जाता है, लेकिन यहाँ पे दोनों चीजें अलग अलग डाली जाती है। अदरक जो है वो खड़ा हुआ डाला जाता है और लहसुन को पेस्ट फॉर्मेट में ये लोग डालते हैं। और इसकी प्रिपरेशन से मैं यही कह सकता हूँ दोस्तों, बहुत मेहनत वाला है ये, लगातार भाप उठती रहती है, टोटल 1 से 1.5 घंटे का प्रोसेस होता है। और ये सूरज जी हैं, आप समझ लीजिए 12 महीने बनाते हैं। और दोस्तों मटन के बगल में ही ये देखिए कलेजी प्रिपेयर हो रही है। कलेजी आप जानते हैं लिवर के पीसेस बेसिकली मटन के, तो वो भी यहाँ के बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इन केस अगर आप कलेजी की भी पूरी प्रिपरेशन देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम यहाँ पे दोबारा आके पूरी कलेजी की पूरी प्रिपरेशन स्टेप बाय स्टेप जितने मसाले हैं और जैसे ऐसे इसका पूरी बनाई जाती है हम पूरा कैप्चर कर लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो मटन है ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो चुका है। आपको बताना चाहूंगा काफी लंबा प्रोसेस होता है, 1 से 1.5 घंटे का प्रोसेस है। मैंने आपको सिर्फ हाईलाइट दिखाई है दोस्तों। ये देखिए ऊपर रोगन आ चुका है, बड़ी कमाल की रंगत आ रही है। और आपको फाइनली पीस दिखा देता हूँ, सूरज जी पीस दिखा दीजिएगा। ये देखिए ये आए हाय हाय, मतलब ये एक ऐसी डिश है खाने से पहले देख के ही आपका पेट भर जाता है। ओ भाई साहब क्या बात है। तो ये है दोस्तों मटन चुस्ता। आप में से जो भी मटन लवर है वो जानते होंगे मटन का ये चर्बी वाला पीस होता है, तो अगर आप चर्बी पसंद करते हो तो फिर आप यहाँ पे चुस्ता भी खा सकते हैं। इसी ग्रेवी में साफ से प्रिपेयर होता है ये, और डिमांड जो है वो मटन तो प्याजा की ज़्यादा रहती है, लेकिन इनकेस अगर आप चर्बी पसंद करते हो तो आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों फाइनली हम हमारा ऑर्डर आ चुका है, आप देख सकते हैं मटन दो प्याज़ा हमारी टेबल पे है। तो इस वीडियो का मैं लिटरली बता दूं मुझे बहुत टाइम से इंतज़ार था, क्योंकि ये देखिए नली का पीस मैं ले रहा हूँ। आप लोग की डिमांड जो है वो पहली बार मेरे साथ हुआ है कि व्हाट्सएप तक इसकी रिक्वेस्ट आ गई, नॉर्मली इंस्टाग्राम फेसबुक तक रहती है। तो ये देखिए ग्रेवी से मिलाया ये सजाली प्याज, अब लेने वाला हूँ इसकी बाइट। ये देखिए मतलब मैंने नवाबी कपूर जितने मटन के वीडियो शूट किए हैं आप समझ सकते हैं top 3 में ये आ चुका है। बहुत अच्छा, बहुत कमाल का टेस्ट है। सबसे अच्छी बात मैं ये कहूँगा जो मैंने आपको बनते टाइम दिखाया है बिल्कुल देसी तरीके से बनाया गया है, जो भट्टी चूल्हे पे जिस तरह बना रहे थे, तो मसालों का टेस्ट है बहुत अल्टीमेट आ रहा है। नॉर्मली अपने मैंने मटन के ब्लॉग में देखा होगा, मैं कहता हूँ मटन बहुत अच्छी तरीके से गलता है, तो वो यहाँ भी गला है। जो चीज़ इसको डिफरेंट बना रही है, अगर मैं आपको बताऊं, मैं आपको ऐसे दिखा देता हूं, ये देखिए ये आप ग्रेवी देख रहे होंगे। इसकी खास बात ये है कि जो मसाले हमने आपको दिखाए थे खड़े मसाले और जो पेस्ट डाला गया था, नॉर्मली क्या होता है कई बार हम मटन खाते हैं तो मसाले अलग छूटने लगते हैं उससे, लेकिन इसमें हम खा रहे हैं देखिए मसाला जो ग्रेवी है उसमें बिल्कुल घुल गया है, बिल्कुल भी अलग अलग टेस्ट नहीं आ रहा है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल वर्थ है। उसके बाद दोस्तों मैंने मटन चुस्ता ही मंगवाया, ये देखिए मटन का जैसे मैं आपको बनते टाइम दिखाया था मटन के जो चर्बी वाले पीसेज हैं ये देखिए, तो मैं इसको भी टेस्ट कर ले रहा हूँ चुस्ता को ग्रेवी के साथ। ये देखिए मैं कह सकता हूँ दोस्तों बहुत चर्बी है इसमें, बोनलेस तो आप जानते हैं बिल्कुल बोनलेस पीस होता है, और मैं कहूँगा चर्बी बहुत अच्छे से है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे आएँ मटन तो पैदा जो मैंने बेस्ट है यहाँ का, ये भी आप टेस्ट कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए मैं कहूँगा दिस इज़ नॉट फॉर एवरीबडी, जो लोग चर्बी पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं चर्बी में भी, जो हार्डकोर चर्बी के लवर्स है उसके लिए चुस्ता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा चर्बी नहीं पसंद करते तो मैं आपको कहूँगा ये फिर आप अवॉइड करें, क्योंकि आप खाएंगे थोड़ा सा फिर अजीब लगेगा। प्राइजेस की बात करें तो प्राइस इसका काफ़ी रीजनेबल है। तो ओवरऑल जो मेरा रिव्यू है मैं यही कहूँगा मटन दो प्याज़ा अगर आपको खाना है एकदम A1 क्वालिटी का तो कालिका होटल से बेटर आपको आई डोंट थिंक कहीं भी लखनऊ में आई थिंक आजमगढ़ कहीं भी नहीं मिलेगा। उसके अलावा
ये स्विगी जोमेटो पे दोस्तों नहीं अवेलेबल है, तो अगर आपको खाना है तो आपको यहीं आना पड़ेगा। मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा, ये ऐसी डिश है कि अगर आप पैक करा के ले जाएंगे तो उसका मतलब थोड़ा किरकिरा हो जाएगा, तो आप आइए इसको यहीं पे खाइए। और फाइनली मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको मटन पसंद है दोस्तों, अगर आप देसी डिशेस मटन की पसंद करते हैं जैसे टुंडे कबाब और जो हमने कुलचे निहारी का भी वीडियो बनाया, तो आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं दोस्तों, सारे आपको मटन की वीडियो मिल जाएंगे, लल्ला बिरयानी वगैरह सब मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप चंपारण मटन पसंद करते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने चंपारण मटन की पूरी रेसिपी कवर करी है, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप दिख जाएगा कि चंपारण मटन में क्या क्या चीज़ें पड़ती है और हमारा क्या रिव्यू है। तो प्लीज़ देखिएगा और बताइएगा कि आपको सारे वीडियोज़ कैसे लगे।